कल तक जो लोग ये कह रहे थे कि इसमें मोदी का क्या, इसमें तो भारत के वैज्ञानिकों का है, आज मैं देख रहा हूं राजीव शुक्ला के चेले, जेम्स राय के चेले, तमाम खलियर खैराती ये कहने लगे कि विज्ञान का धर्म से क्या रिश्ता। यदि ये विज्ञान, यदि वैज्ञानिक हो कैसी ऐसी बातें कर रहा है। वो कुछ वीडियोस भारत के इसरो के जो वैज्ञानिक हैं, जो प्रमुख हैं, उनका कुछ वीडियो वायरल हुआ, उनके कुछ पुराने पोस्ट वायरल हुए, जरा सा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इन खैरातियों को लंका लगी है। The concept of shunya, the concept of infinity, the algebra, the square root of numbers, these are the findings of those great rishis expressed in very beautiful poetic ways. Even Bodhayana equated to Pythagoras theorem. You know, Bodhayana was living in during 800 BC. Pythagoras came much later. I think all these thoughts that happened there that time, it didn't stay here. It traveled all the way through the Arabic now travelers. It went to Europe and thousands of years later, the knowledge came back to us in the form of discovery by the great scientists of the Western world. Though it was all found out here, it was written down in this language. Ideas like zero, the concept of shunya, the concept of infinity, the algebra, the square root of numbers, these are the findings of. ये भारत का गौरव गान करते हुए भारत के इसरो के प्रमुख हैं। एक एक चीज है, और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी में जी रहे हैं, कुछ तस्वीर में साझा वो भी करूंगा, तब भी सतीश जी के पास चलते हैं। फिर ये एक उस उपलब्धि के बाद का जश्न है, आनंद है, जिसमें जिसे जो भारत के इसरो प्रमुख उसके साथ साथ हैं। और कई ये महिलाएं, कई लोग चीजें आ रही है कि देखिए ये महिलाएं कौन है, इसमें कोई बुरखा वाली नहीं है, ये सब सिंदूर बिंदी करने वाली, साड़ी पहनने वाली मध्य वर्गीय महिलाएं हैं, और ये सामान्य महिलाएं नहीं हैं, ये इसरो की साइंटिस्ट हैं। तो जो लोग इस तरह की बातें करते थे, मैं यदि वो दिखा पाऊं आपको, देखिए ये मैं दिखाना चाह रहा था। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने दावा किया वेदों से आए हैं साइंस के सिद्धांत। असल दिक्कत भारत विरोधी वामपंथियों को इसी से हो गई है सर। नहीं, इस समय भगवान मनीष जी, भगवान भी इन पे नाराज है, इनको चोट पर चोट दे रहा है। सनातन का ऐसा झंडा फहरा रहा है कि इनके आग लगी हुई है, कुछ कर नहीं पा रहे, उसका कोई जवाब नहीं है। एक तो ये आपने दिखाए समाचार बड़े महत्वपूर्ण थे, दूसरे ये 14 जुलाई को जब छोड़ा गया था ये चंद्रयान, उससे पहले 13 जुलाई को ये चेयरमैन के साथ पूरी जो प्रमुख वैज्ञानिक थे उनकी टीम तिरुपति गई थी, और चंद्रयान का जो रेप्लिका था वो उन्होंने भेंट किया था भगवान को, सबसे पहले उन्होंने तिरुपति में ही चढ़ाया था। इनको इसी बात पर आग लगी हुई है। ये तो हिंदू धर्म को आतंकवादी, उग्रवादी, और हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवादी, ये यही गाना गाते हैं। इनको चीन पैसा दे रहा है, या कुछ इटली से, रोम से, वेटिकन सिटी ईसाई मिशनरी दे रही है, और बचा खुचा वो पाकिस्तान भिखमंगा हो गया तो वहां से थोड़ा कम आ रहा होगा आजकल, क्योंकि मगर वो वहां से भी कुछ पाई जाते हैं जूठन पत्थर। ये तो ये इनको एक ही पहले तो सनातन पर चोट करो, पर सनातन पर चोट करो, और इनको मनी जी कोड़ में खा जिया हो गया कि पूरी दुनिया कल जो झूमी चंद्रयान की सफलता में परसों, तो उसमें अभी आपने दिखाया कि सारे के सारे वैज्ञानिक सनातनी भगवान तिरुपति में के मंदिर में जाके उन्होंने पहले अब तक रेप्लिका कोई उनको एक भेंट की भी नहीं थी। ढूंढ पाया था कि कह सके थे गंगा जमुनी तहजीब है। ये और मनीष जी एक अभी अभी परसों वाले सदमे से ये उबर नहीं पाए थे, कल दूसरा हथौड़ा इनके पड़ा, इनके दूसरा हथौड़ा पड़ा। एक वो 17 बरस का बालक प्रज्ञानानंद, उसने मनीष जी कार्लसन को, जो विश्व चैंपियन है, दिग्गज है उस शतरंज की दुनिया का, उसको कल उसने डांट खट्टे कर दिया। 2 राउंड दोनों बराबर खेला, टाई ब्रेकर में हारा, तो टाई ब्रेकर की हार जीत कभी नहीं, उसकी कोई महत्व नहीं होता, चाहे वो हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, या शतरंज हो। टाई ब्रेकर तो जिसके साथ किस्मत काम दे जाए, तो 17 वर्ष के उस नौजवान भी तो नहीं कह सकता, उस किशोर बालक ने। लेकिन मनीष जी वो उसकी उपलब्धि भी तो बाद में चर्चा, सबसे खास बात उसके उसके माथे में लगा हुआ चंदन। हाँ दिखा दीजिए, मुझे पढ़ दीजिए, उसके बाद बताता हूँ। चंद्रयान 3 की अभूतपूर्व ऐतिहासिक सफलता को 18 वर्ष के प्रज्ञानंदन की विश्व विख्याति से सनातन मेघा का शंखनाद किया है। यही कारण है कि अय्यर, अजीज और दिग्गी शरीके सेकुलर गुर्गे बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। जरा इसे देख लें हम लोग जो आप दिखाना चाह रहे हैं। हाँ जी, Ahead of the launch of Chandrayaan 3, a team of Indian Space Research Organization scientists offered prayers at a temple in Andhra Pradesh.
The ISRO team carried a miniature model of Chandrayaan 3 to the revered temple and prayed for the success of the mission. Okay, Chandrayaan 3 launch is happening tomorrow at 2:35 p.m. Our very strong rocket, big rocket LVM3 in its fourth continuous flight mission M4 is going to launch Chandrayaan 3. So Chandrayaan 3 will start its journey after the launch tomorrow. So it will reach around Earth, then it will travel towards Moon slowly over the next 1 month. Then we are hoping that everything is all right. Then it will reach and land on the Moon on August 23rd onwards, any day. ये वो बालक है, ये मनीष क्या बात है मनीष जी, जितनी प्रज्ञानानंद की उम्र है उससे ज्यादा समय से कार्लसन दुनिया का दिग्गज खिलाड़ी बना हुआ है शतरंज का, और जब फाइनल में इसने दांत खट्टे कर दिए इस बालक में, तो वो आदमी बीच में अपनी कुर्सी छोड़कर इसको बधाई देने आया। उसने कहा मैं भौचक हूँ, आश्चर्यचकित हूँ इस आदमी की प्रतिभा देख के, लेकिन ये तो खेल की बात हुई। इसके माथे पे लगा वो चंदन तिलक, वो इन खैरातियों को बड़ा, क्योंकि मनीष जी प्रज्ञानानंद के माथे पर एक तिलक बड़ा महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया में चर्चा होगी कि ये क्या है, क्योंकि इसकी कोई फोटो देखिए, कोई वीडियो देखिए, माँ इनकी साथ रहती है, तो वो भी तिलक लगाए हुए, तो ये सनातन धर्म की एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर है ये बालक। और ये इन खैराती जो शाम होते ही दारू के अड्डों पर बैठ के कबाब मछली तोड़ते हैं, इनको इसी काम का पैसा मिलता है, इसी की दारू पीते हैं ये, कि किसी तरह सनातन धर्म को भगवा आतंकवाद में दिखाओ, तो परसों इसरो के वैज्ञानिकों की सफलता, और कल तो इस प्रज्ञानानंद ने दिल खुश कर दिया, पूरी दुनिया को चौंकाया, पूरी दुनिया से मनीष जी इस आदमी की, इस बच्चे की तारीफ हो रही है। और वो सबसे खास बात दर्शकों को बता दूं कि मनीष जी इनके पिताजी पोलियोग्रस्त हैं, बहुत निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, और वहां से बालक आया, तो इसकी तो ईश्वर पर अटूट आस्था है। तो वो माथे पे वो तिलक नजर आ रहा, तो भगवान बड़ी लंबी उम्र दे, इससे ज्यादा कीर्ति के शिखर पर पहुंचाए इस बालक को। अब मैं कहूंगा आप लोग भी ये दुआ करिए कि ऐसे चेहरे जो वास्तव में सनातन धर्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सर ये सब चीजें जब आप अभी बता रहे थे, सनातन के ब्रांड एम्बेसडर, और जो इसरो सामान्य आदमी नहीं कर रहा, इसरो प्रमुख सोमनाथ जी को, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपके तो नाम में ही चंद्रमा है, और हम जो सनातनी है, हमारे तो जो आराध्य हैं महादेव जो है, उनके सिर पर ही तो मुकुट ही तो उनका चांद का है। और आज प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, उस जो सोशल मीडिया पर उनकी नजर होती है, जिक्र किया कि राखी आने वाला है, और राखी से पहले भारत ने धरती के तरफ से चांद को राखी भेज दिया, क्योंकि सनातनी आदि काल से चंदा मामा ही कहते हैं हम लोग, बचपन में हमारे पुरखों ने सुनाया, हमारे दादा दादी ने सुनाया, हम अपने बच्चों को चंदा मामा दूर के वो कहा पुए पकाए गुड़ के, इस तरह से एक पहली लोड़ी जो है माँ वही सुनाती है चांद को दिखा करके। चांद से क्या रिश्ता है सनातन का, वो चंद्र के साथ, और उसका नाम चंद्रायन, धरती के जितने देश हैं वो चंद्रायन शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे होंगे, बार बार आप देख रहे होंगे जो वीडियो मैंने दिखाया सब लोग कर रहे थे। इसकी पीड़ा ये है कि मैं कुछ देख रहा था, चिरकुटों का नाम लेने की जरूरत नहीं है सर, कुछ शुक्ला राजीव शुक्ला का चेला है, कुछ अदालत लगाने वाले संपादक का चेला, जो सब खलियर हो चुका है ज्यादातर उसमें, एक खलियर के मैं बताऊं कि वो अदालत लगाने वाले संपादक का बड़ा चेला था, वो कुछ दिनों से खलियर है। मुझे जब मैं मेन नौकरी छोड़कर इसके मैं डॉक्यूमेंट्री बनाता था, तो मुझे कहते थे लोग कि मनीष जी ये फलाना जो एक खलियर खैराती जिसे आप बोलते हैं घोर वामपंथी है, सरकार बीजेपी की है, 35-35 लाख रुपए का एक एक उसको मिलता है डॉक्यूमेंट्री, और एक एक डॉक्यूमेंट्री खाकर पी के मस्त रहता है, और प्रेस क्लब में सिगरेट पीते रहता है, दिन भर उसका ये काम था सर। अब मार सट्टा मार रहा, वो कहता है कि मैंने आज तक भगवान की पूजा नहीं की, मेरे घर में कोई भगवान नहीं है, मेरा क्या उखाड़ लिया किसी ने, वो कहता है, लिख रहा है अपने सोशल मीडिया पर, उसको दिखाने की जरूरत नहीं, वो लिख रहा है खुश होने दीजिए, विज्ञान ने बुलडोजर थोड़ी चलाया है, ये भगवान के माने, मतलब इतनी चोट इन लोगों को लगी है। और ये सब कल 24 घंटे से सर लिख रहे हैं, जब से सोमनाथ जी का वो चरित्र आया है घोर सनातनी का, और इसमें विज्ञान में इस इसरो में सनातन आस्था का,
भारत के गणितीय व्यवस्था का, ये सब इतने चोटिल क्यों हो गए?